हेलो एवरीवन, तो हम लोग क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एमसीक्यू कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग पॉलिनेशन तक पहुँचे थे, ठीक है। तो इस चैप्टर में टोटल 146 क्वेश्चन था, 50 कल करवा दिए थे, आज 51st से करवाते, ओके। तो चलो पहला ऑक्जेलिक प्रोड्यूस बताओ, ऑक्जेलिस तुम्हारा क्या प्रोड्यूस करवाता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, चेस्मोगैमस फ्लावर, क्या होगा बताओ। ऑक्जेलिस में क्या होगा, क्लिस्टोगैमस होगा या चेस्मोगैमस होगा, क्या होगा इसमें। ऑक्जेलिस क्या करवाता है तुम्हारा, क्रिस्टोचैस्मो, दोनों बोथ हो जाएगा ना, तो क्या होगा फर्स्ट, ये 51st का सी क्या होगा, 51st का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे हाउ मेनी ऑफ द गिवेन कैरेक्टर्स आर नेसेसरी प्रेजेंट इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर, तो इसमें से कितना कैरेक्टर है जो किस में प्रेजेंट है तुम्हारा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या था कि जो फ्लावर ओपन नहीं है, डोंट ओपन, दूसरा तुम्हारा एंथर और अस्टिग्मा, मतलब साथ में क्लोज्ड लाई करता है तुम्हारा, कोई नो कोई कोई भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा इसमें। ऑटोगैमस क्या होता है, इनवेरिएबली होगा, तो 52 का कौन सा होगा बताओ, सी हो जाएगा। ईच अदर देखो लाइज रे करेगा, ये सही है तुम्हारा। पॉलिनेटरी स्टिग्मा रिस्पेक्ट लेंथ लेंथ ऑफ एंथर स्टिग्मा वेरी डिफरेंट, फ्लावर नेसेसरी डायोसियस और एज्यूर एसर्ड सीड सेड विदाउट पॉलिनेटर, कितना होगा तुम्हारा, तीन हो जाएगा, तीन नीट 11 और 13 दोनों में क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इसमें 52 का तुम्हारा थर्ड। जिनेटोगैमी एज बताओ, जिनेटोगैमी क्या है तुम्हारा 53rd का। अनदर फ्लावर ऑफ सेम, जिनेटोगैमी से तुम्हारा 3 बार क्वेश्चन पूछा है, 10 में 15 में और 2014 में, तो 53rd का क्या होगा, बी होगा, ठीक है। जेनेटिकली क्या होता है वो, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ऑटोगैमस होगा, जेनेटिकली ऑटोगैमी होता है, बट फंक्शनली क्या होता है वो, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये तुम्हारा पूछा था 2014 में और ये तुम्हारा पूछा है 2015 में, ठीक है। तो ये याद रखना 53rd का बी। अब जेनोगैमी क्या करवाता है, जेनोगैमी क्या करवाता है, जो पॉलिन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट वनली टाइप, जो जेनेटिकली डिफरेंट होगा, तो जेनोगैमी क्या होगा, सी, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, बोथ जेनेटिकली फंक्शनली दोनों हो जाएगा तुम्हारा दोनों। अब बताओ ऑटोगैमीज, ऑटोगैमी तुम्हारा क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन बट जेनेटिकली एंड फंक्शनली, ये तो सबको पता, ऑटोगैमी क्या है तुम्हारा, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जेनेटिकली भी होगा और फंक्शनली भी होगा, कमेंट करते जाना सब, ठीक है। 555 कड़ी 656 जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिन इज ब्राउट टू अस्टिग्मा वाई, बताओ कौन सा होगा, जेनेटिकली पूछ रहा है इसमें 56 का। जेनोगैमी हो जाएगा वनली, जो ला रहा है, क्योंकि पॉलिन जेनोगैमी में क्या होता है, पॉलिन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट वनली टाइप, तो जेनेटिकली इसमें डिफरेंट ही होगा, तो क्या होगा, सी हो जाएगा। 57 पॉलिनेशन वाई ए बायोटिक एजेंट इज अ चांस फैक्टर, पूछ रहा है क्या, बोल रहा है 57 का क्या बोल रहा है, कि जो पॉलिनेशन होता है वो एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, तो पहले ही बताया थे कि जिसके पास हाथ पैर नहीं है तो कुछ तो होगा जो एबायोटिक एजेंट जो तुमको इधर उधर जाके घुमाएगा, तो वही चीज़ है ये, तो बिल्कुल सही है। पॉलिन इज प्रोड्यूस इन इनॉर्मस अमाउंट एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स, ये भी तुम्हारा सही है, लेकिन हाँ ये भी सही है तुम्हारा, बी होगा, बी रीजन में तुम्हारा सही है, मतलब ए तुम्हारा रीजन है किसके लिए, बी के लिए, तो ए इज द रीजन फॉर बी, ये हो जाना चाहिए, ए और बी दोनों का सही है, और ए रीजन है किसके लिए, बी के लिए, तो 57 का बी होगा, मे हाँ 100%। विच इज मोर कॉमन एबायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, बताओ कौन सा कॉमन है, एबायोटिक में तुम्हारा कौन सा कॉमन होता है 58 का। तो देखो एबायोटिक, एबायोटिक में जैसे कि हवा और पानी, ठीक है, तो जिसमें कि हवा पानी में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन तुम्हारा होता है विंड, मतलब कि आंधी हवा, तो 58 का क्या होगा, विंड हो जाएगा, ठीक है। द पॉलन ग्रेन इन विंड पॉलिनेटेड प्लांट शुड बी, बताओ जो पॉलन ग्रेन जो विंड से जो हवा से पॉलिनेटेड हो रहा है प्लांट में, वो हमेशा कैसा होगा, तो हवा से होने वाला चीज़ कैसा होगा तुम्हारा, लाइट होगा, हल्का होगा, तब तो वो हवा में जाएगा, उड़ेगा और न स्टिकी, ये नहीं कि उड़ते उड़ते वो कहीं पर चिपक गया, तो ऐसा भी नहीं होगा, मतलब लाइट होगा और नन स्टिकी हो जाएगा। 59 का डी। 60 का बताओ, 60 में क्या बोल रहा है, विंड पॉलिनेशन पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव, बताओ जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होता है उसके पास क्या होगा, सिंगल, क्या होता है, सिंगल इनी चोवरी, याद रखना सिंगल इनी चोवरी एंड फ्लावर्स आफ्टर क्या, पैक्ड इन इनफ्लोरोसेंस, तो क्या होगा, 60 का तुम्हारा सी हो जाएगा, ठीक है। द टैसल्स इन कॉर्न कैबार, जो कॉर्न कैब में जो टैसल्स होता है, टैसल्स मतलब देखा है जो बाल वाला टैसल्स, ठीक है,
आया है नीट में क्वेश्चन, ये जो टेसल्स होता है वो क्यों होता है, कॉर्निकोप में टेसल्स क्या करता है कि हवा से क्या करता है वो पोलिन को पकड़ता है, बेविन विन टू ट्रैप पोलिन, मतलब पोलिन को पकड़ने का काम करता है। तो 61st का बी हो जाएगा, कहाँ से, स्टिग्मा एंड स्टाइल में होगा, ठीक है। स्टिग्मा और स्टाइल में टेसल्स होता है और टेसल्स का काम है पोलिन को क्या करना, ट्रैप करना, ठीक है। 62 मैच द फॉलोइंग, 62 का बताओ। विंड पॉलिनेशन में क्या होगा, 62 में विंड पॉलिनेशन में क्या होगा, मेज, हवा से क्या मेज हो जाएगा विंड पॉलिनेशन में, मेज। फिर तुम्हारा वाटर पॉलिनेशन में क्या हो जाएगा, मोनोकोट्स, जितना भी वाटर पॉलिनेशन सब जितना भी मोनोकोट्स हो जाएगा। बायोटिक पॉलिनेशन में क्या हो जाएगा, एमॉर्फोफेलस। और फ्रेश वाटर पॉलिनेशन में क्या था, हाइड्रीला। फ्रेश वाटर में कौन कौन था, हाइड्रीला था तुम्हारा, वेलिसनेरिया था तुम्हारा, यही सब था। चलो आगे, सी होगा इसका। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ब्रायोफाइट एंटेरियोफाइट इज लिमिटेड, अच्छा फर्स्ट में पूछ रहा है, फर्स्ट में बोल रहा है, तो 63 का क्या होगा, पहले देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ब्रायोफाइट एंड टेड्रियो, हाँ बिल्कुल सही। तो तुम्हारा कुछ ब्रायोफाइट और टेड्रियोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। लिखा हुआ है तुम्हारा एनसीईआरटी में कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारा अलगी का, ब्रायोफाइट का, टेड्रियोफाइट का, वो लिमिटेड है, क्योंकि इसको पानी चाहिए ट्रांसपोर्ट। इसका जो मेल गैमेट होता है, जैसे कि हम लोग में मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में ओवा होता है, तो उसमें भी मतलब एक मीडियम चाहिए, तो मेल गैमेट को जाने के लिए एक मीडियम चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पानी, मतलब वाटर मीडियम चाहिए, इसलिए इसका सोर्स क्या, लिमिटेड है। तो फर्स्ट भी तुम्हारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को तो एक वाटर मीडियम चाहिए। अब इसका रीजन क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट इन ट्रेडिंग, हाँ बिल्कुल वही चीज़ है, वो किस पे डिपेंड है, पानी पे डिपेंड है। जैसे कि मछली है, मछली है उसको पानी चाहिए, अगर उसको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो उसको एक उसका मीडियम कौन है, वाटर है मीडियम। तो सेम उसी तरह तुम्हारा अलगी ब्रायोफाइटा ट्रेड्रियोफाइटा में कि उसका जो गैमेट होता है मेल का गैमेट, मेनली मेल गैमेट, क्योंकि वही जाता है, ठीक है। तो मेल गैमेट जो होता है उसको एक पानी, मतलब कि किस पे डिपेंडेंट है, वो वाटर पे। तो 63 का भी फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लानेशन बहुत बढ़िया दिया है इसमें। एक्वेटिक प्लांट्स पॉलिनेटेड बाई वाटर आर गिवेन, एक्सेप्ट पूछ रहा है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं होगा, तो ये होगा वाटर हाइसिंथ होगा। अभी बताए थे फ्रेश वाटर से कौन कौन था, जो एस्ट्रा था, हाइड्रीला था, ठीक है। तो मोर देन वन ऑप्शन भी ये दोनों होगा, तो ये भी होगा, वाटर हाइसिंथ नहीं होगा, ठीक है। वाटर हाइसिंथ को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। पॉलिनेशन इन वाटर लिली अकर्स, भाई बताओ वाटर लिली का पॉलिनेशन किससे हो रहा है, हवा से, पानी से, या कीड़ा मकौड़ा करवा रहा है, या तो दोनों, बताओ। 65 का क्या होगा, डी, क्योंकि विंड भी होगा तुम्हारा और तुम्हारे इंसेक्ट भी करवाएगा, ठीक है, दोनों। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पॉलिनेशन इन ग्रास, सी ग्रास, अच्छा सी ग्रास के लिए बताना है कौन सा स्टेटमेंट तुम्हारा सही है, ठीक है। सी ग्रास के लिए कौन सा सही है, चलो देखते हैं। पहला, फीमेल फ्लावर रीच सरफेस ऑफ वाटर, नहीं नहीं फीमेल फ्लावर को क्यों चाहिए पानी, नहीं ये तो गलत है, वो सबमर्ज्ड होता है, ठीक है, तो ये तुम्हारा दूसरा सही है। फिर पोलिन रिलीज ऑन, नहीं पोलिन वाटर सरफेस पे पोलिन रिलीज नहीं होगा, पोलिन कहाँ पे, पानी के अंदर, मतलब एक हुआ कि ऑन द वाटर सरफेस, मतलब पानी के ऊपरी सतह पे, तो वो नहीं होगा, कहाँ पे होता है, पानी के अंदर, मतलब इनसाइड वाटर, ओके। तुम्हारा फोर, मतलब एक सेकेंड से एक तुम्हारा फोर। अब फाइव में क्या बोल रहा है, पोलिन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली बाई वाटर, बिल्कुल सही है, ठीक है, वो कौन लेके जाएगा, पानी ले जाएगा। और ये बोल रहा है सिक्स में, पोलिन ग्रेन नहीं, वाटर एक्टिवली नहीं होता है, पैसिवली जाता है, ये भी नहीं होगा। और फिर क्या बोल रहा है आगे तुम्हारा, मोस्ट ऑफ पोलिन नहीं, नहीं स्टिग्मा पे नहीं, सम पोलिन, मोस्ट ऑफ पोलिन नहीं होगा, सम पोलिन होगा। तो तुम्हारा कौन कौन सही है, सेकेंड सही है, फोर्थ, फिफ्थ और सेवन्थ, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी। चलो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए करो कौन सा सही है तुम्हारा, 67 का, फीमेल फ्लावर इज, ये तो वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। 68 दोनों, 68 रिक्वायरमेंट ऑफ पोलिन ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर, क्या रिक्वायरमेंट है बताओ 68 का, क्या है तुम, एक तो पहले चाहिए वाटर पॉलिनेशन के लिए कि लाइट पोलिन चाहिए हल्का, और दूसरा तुम्हारा क्या चाहिए, पोलिन विथ म्यूसी, हाँ किसके साथ, म्यूसीलेज कवर। तो 68 का तुम्हारा हो जाएगा सी, फर्स्ट और टू। मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म यूज, बताओ क्या यूज करता है एंजियोस्पर्म, क्या मेजोरिटी का क्या यूज करता है, कि एनिमल्स, एनिमल्स मतलब कि एनिमल्स इसमें करवाएगा पॉलिनेशन एंजियोस्पर्मी का।
आइडेंटिफाई करो क्या है 70 में। पहले तो तुम्हारे क्लिस्टोगैमस है, तुम्हारा फर्स्ट तुम्हारा क्लिस्टोगैमस हो जाएगा, दूसरा तुम्हारा चेस्मोगैमस, तो इसमें सी हो जाएगा ठीक है। फर्स्ट पहला तुम्हारा क्लिस्टोगैमस, दूसरा तुम्हारा चेस्मोगैमस। 71st का क्या है डायग्राम, वाला एनसीईआरटी पे एक बार देख लेना 71st का देखो। ये तुम्हारा कौन है वैलिसनेरिया वाला ना, तो फ्रेश वाटर जो पॉलिनेशन करवाएगा तुम्हारा, तो डी होना चाहिए। हाँ फ्रेश वाटर सही है, डी वाटर पॉलिनेशन इन फ्रेश वाटर। अब देखो डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट सर बताओ कौन सा है 72 का, कौन हो जाएगा बीज, कौन कराएगा, मधुमक्खी करवाएगा, बी हो जाएगा क्या, मधुमक्खी करवाता है तुम्हारा। आगे देखो देखो बी क्या, इंसेक्ट में तुम्हारा बी क्या करवाएगा डोमिनेंट फ्लाइज को, डोमिनेंट देखो है तुम्हारा बीटल्स वाप्स एंड मॉथ बर्ड्स, बर्ड्स में तुम्हारा सन बर्ड हो गया, ह्यूमिंग बर्ड हो गया तुम्हारा, बैट चमगादड़ भी करवाता है। अब पूछ रहा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग में, इसमें कितना है कि जो पॉलिनेटर जैसा काम तुम्हारा करेगा 73rd का, बीज भी करवाएगा, बटरफ्लाई सुना है क्या, वास्प हाँ बीज होगा, ये भी करवाएगा वास्प भी होगा, वीटल्स भी होगा, लियोपार्ड कहीं सुना है क्या, नहीं वेट्स भी करवाएगा, तो 1 2 3 4 पिजन करवाएगा क्या, बर्ड्स तो ऐसे करवाता है तुम्हारा, तो बटरफ्लाई या पिजन दोनों में से, हाँ बर्ड्स हो सकता है क्योंकि ये भी करवाता है, तो क्या होगा थर्ड हो, ये हो जाए ये फर्स्ट होगा, पांच होगा पांच। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर सर बताओ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर कौन सा है जो इंसेक्ट पॉलिनेट करवा रहा है 74 का, कौन हो जाएगा डी, क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या आएगा तुम्हारा बताओ, लार्ज रहेगा, कलरफुल फ्लावर रहेगा, उसमें फ्रैगमेंट रहेगा, क्योंकि जो जो क्या बोलते हैं कीड़ा मकोड़ा होता है तो फूल फूल पे जाके वो क्यों बैठता है, क्योंकि फूल में पहले तो अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, दूसरा उसमें स्मेल आ रहा है तो वो उसको अट्रैक्ट करता है ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, लार्ज कलरफुल और रिच इन नेक्टर ठीक है। और एक तुम्हारा क्या होगा स्मॉल होता है, क्लस्टर्ड होता है, तो तुम्हारा ये भी हो जाएगा, स्टिकी भी हो जाएगा, कभी कभी देखता है उसका पैर में लग गया फिर वो कहीं जाके बैठा वहाँ पे, तो तुम्हारा मोर देन करेक्ट ओके, दोनों सही है। फ्लावर रिवार्ड्स सर बताओ फ्लावर का रिवार्ड्स कौन सा हो जाएगा 75 का, सी पोलन ग्रेन भी हो जाएगा, नेक्टर भी हो जाएगा, ये तो उसका रिवार्ड है तुम्हारा ठीक है। आगे फ्लावर रिवार्ड इज एमोर्फोफेलस, इस बताओ एमोर्फोफेलस में कौन सा हो जाएगा, एमोर्फोफेलस ये बताओ कि एमोर्फोफेलस का हाइट कितना होता है, तो याद रखना 6 feet हाई हो, हाइट इसका होता है 6 feet ठीक है। वैसा फ्लावर जो प्रोवाइड कर रहा है कि आके तुम मेरे में अंडा दो ठीक है, प्रोवाइड टू ले एग्स, इसको हम लोग बताए एमोर्फोफेलस, ये इसका हाइट होता है 6 feet हाई होता है ठीक है। यही इसका रिवार्ड है कि क्या करता है वो, कि बोलता है सेफ प्लेस, इसके पास सेफ प्लेस होता है कि हाँ हम अंडा दे सकते ले एग्स ठीक है। तो एमोर्फोफेलस याद रखना 6 feet का होता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट, इसमें से कौन सा ट्रू है 77 का, कौन सा ट्रू है इसमें 77 का देखो, तो प्रोनीमा मॉथ एंड यूका प्लांट्स के लिए पूछ रहा है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा फॉर, अच्छा बी पे फॉर लाइफ साइकिल, बट द अपोजिट इज नॉट ट्रू, और बी में क्या नहीं नहीं ये थोड़ा सा ये, तो अच्छा देखो इसका सी देखो 77 का, बोथ ए एंड बी मतलब ये मॉथ भी और यूका भी ठीक है इंटरडिपेंडेंट, बिल्कुल सही है। मॉथ और यूका क्या है कांट कंप्लीट, ये दोनों अपना लाइफ साइकिल तो पहले तो कंप्लीट नहीं करते हैं विदाउट ईच अदर, ये सबको पता है, ये तो सबको पता है तुम्हारा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा विथ ईच अदर, हाँ बिल्कुल सही, वो इंटरडिपेंडेंट है विथ ईच अदर किसके लिए, अपने लाइफ साइकिल के लिए, तो 77 का सी हो जाएगा। आउटब्रीडिंग डिवाइस आर यूज टू प्रिवेंट, आउटब्रीडिंग डिवाइस किसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं बताओ 78 का तुम्हारा फर्स्ट, किसके लिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए। आउटब्रीडिंग क्या होता है समझ में आया क्या, आउटब्रीडिंग डिवाइस इसमें मेजोरिटी क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट होता है, जैसे कि हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, मतलब कि जैसे कि बाइसेक्सुअल एक में मेल मेल भी एक ही में, फीमेल्स भी उसी में ठीक है, जिसमें जो कंटिन्यूस सेल्फ ब्रीडिंग करवाते हैं, इसमें हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी आ जाता है जो क्या प्रिवेंट करता है, आउट ब्रीडिंग तुम्हारा करवा रहा है तो वही हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज रिजल्ट ऑफ बताओ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से के कारण क्या होता है अभी जस्ट बताए थे, क्या होता है बताओ, कंटिन्यूस करवाएगा ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन को 79 का डी। सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय सेपरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा इन बताओ किसमें होगा 80 का,
डी होगा क्या बोथ, बोथ ऑफ दीज में, टाइम भी मैच्योरिटी भी मतलब पोजीशन भी टाइम भी और प्लेस भी, सेल्फ इनकैपेबिलिटी इज नॉट बताओ किसमें नहीं होगा नॉट, तो क्या होगा पोजिशनल सेपरेशन फॉर एंथर एंड स्टेमा यही होगा ना पोजिशनल। आगे प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन अ प्लांट एश्योर्ड प्रिवेंशन ऑफ, किसका प्रिवेंशन करवाएगा 82 का, किसका करवाएगा ऑटोगैमी का क्या, यूनिसेक्सुअल है मतलब सिर्फ अकेला तो ऑटोगैमी कहाँ से होगा उसमें, मोनोसियस प्लांट्स एश्योर, अब बताओ मोनोसियस प्लांट्स क्या करवाएगा 83 का, नो ऑटोगैमी, इसमें भी ऑटोगैमी नहीं होगा। अब देखो डायोसियस मतलब कि एक ही में दोनों है तो डायोसियस क्या करवाएगा, नो ऑटोगैमी एंड जिनेटोगैमी दोनों नहीं। इफ रॉन्ग पॉलिन फ्रॉम एंथर स्पीसीज और सेल्फ इनकम्प्लीट लैंड्स ऑन अ स्टिग्मा क्या करवाएगा 85 का, पॉलिन जर्मिनेट बट हाँ पॉलिन जर्मिनेट करेगा लेकिन पॉलिन ट्यूम कांट ग्रो इन एन स्टाइल, ये सही है तुम्हारा, और डज नॉट जर्मिनेट एट ऑल क्या होगा डी हो जाएगा 85 का डी। When pollen grain germinates and produce pollen tubes, अच्छा जब pollen grain germinate कर रहा है produce कर रहा है pollen tube को तो क्या होगा 86 का, तो उसमें क्या होगा pollen grain होगा जो move करेगा किस में pollen tube में। Filiform apparatus is present at, filiform apparatus कहाँ पे present होता है 87 का, सबको पता है micropyle part of syncrete में जो micropyle end वाला होता है। इमेस्कुलेशन इज डन बाई, इमेस्कुलेशन क्या होता है, इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है ये बताओ 88 का, इस इमेस्कुलेशन इज डन बाई कहाँ किस में, मेल में या फीमेल में किस में क्या होगा इमेस्कुलेशन, फीमेल में क्या फीमेल पेरेंट्स, तो 88 का क्या होगा तुम्हारा 88 का बी। आगे बताओ द इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स आर बैग्ड टू, बताओ इमेस्कुलेटेड फ्लावर को हम लोग बैग्ड करते हैं मतलब उसको एक बैग मतलब बांध देते हैं काट के, बैगिंग, बैगिंग जिसको बोलते हैं। इमेस्कुलेशन मतलब हम लोग क्या करते हैं रिमूवल ऑफ एंथर फ्लावर बर्ड मतलब कि एंथर को फ्लावर बर्ड से हम लोग एंथर को हटा रहे हैं तो इसमें हम लोग बैगिंग करते हैं। बैगिंग मतलब होता है फ्लावर कवर्ड बाई मतलब एक बटर पापा होता है उसका नाम है बटर पापा ठीक है बैग, तो उससे हम लोग क्या करते हैं जो कट करते हैं उसको हम लोग फ्लावर को बैक से कवर्ड कर देते हैं। 39 का क्या होगा सी, प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लावर फ्रॉम अनवांटेड पॉलिन, कि कोई अनवांटेड पॉलिन आके वहाँ पे आ ना जाए तो जिससे क्या होगा फिर से हो जाएगा तुम्हारा पॉलिनेशन हो जाएगा। इन फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज, अगर फीमेल पेरेंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो वहाँ पे तुम्हारा क्या होगा कोई भी इमेस्कुलेशन का नीड नहीं है बट बैगिंग वहाँ पे नीडेड होगा ठीक है। इमेस्कुलेशन नहीं होगा लेकिन बैगिंग होगा। इमेस्कुलेशन में क्या होता है इमेस्कुलेशन उसके लिए सिर्फ बायोसेक्सुअल फ्लावर के लिए है ठीक है। अगर इमेस्कुलेशन आ गया तो बायोसेक्सुअल फ्लावर के लिए हो जाएगा यूनिसेक्सुअल के लिए नहीं, लेकिन बैगिंग में चाहिए तुम लोग को ठीक है। Identify the filiform apparatus in given, इसमें filiform apparatus कौन है 91st का, बहुत आसान है फर्स्ट ही वाला दिख रहा है ना लास्ट वाला ये ना filiform apparatus SSA वाला। अब करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन से 92, pollen tube release male gametes into, pollen tube कहाँ से release हो रहा है male gametes into कहाँ से 92 का, कहाँ से तुम्हारा cytoplasm of syncrete हो जाएगा 92 का सी। Which of the following is incorrect about double, इसमें से कौन सा डबल फर्टिलाइजेशन के लिए गलत है, गलत पूछ रहा है 93 का कौन सा गलत है। वन मेल गैमेट फ्यूज विथ न्यूक्लियस ऑफ एग सेल, ये तो सही है तुम्हारा है। सिनगैमी रिजल्ट इनटू डायोड सेल, नहीं ये गलत है, गलत है क्या होगा बी। ट्रिपल फ्यूजन इज, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन 94 का ट्रिपल फ्यूजन मतलब कि फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉइड मतलब कि तीन हैप्लॉइड का फ्यूजन हो रहा है ठीक है। प्राइमरी जिसको हम लोग थ्री एन बोल सकते हैं जो इंडोस्पर्म तुम्हारा बनाता है, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है तुम्हारा एंजियोस्पर्मी का। विच ऑफ दीज इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है 95 में कौन सा करेक्ट है। सिनगैमी इक्वल टू ट्रिपल फ्यूजन प्लस डबल, सिनगैमी इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्रिपल फ्यूजन इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन गैमी प्लस ट्रिपल, इसमें तो दो सही है तुम्हारा, मोर देन वन ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं।
सिनगैमी मतलब ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें कि हम लोग अगर एक हो गया कि हम लोग वन फ्यूज भी थे, जिसको जायगोट बना, फिर तुम्हारा हो गया तुम्हारा विथ पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिसमें तुम्हारा पीएन बनता है, एंडोस्पर्म बन गया। नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा है तुम्हारा। सेंट्रल सेल आफ्टर डबल, बताओ सेंट्रल सेल ये कल ये परसों करवाए थे कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद सेंट्रल सेल किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनस ये गलत बताया था। 96 का क्या होगा, पीईसी में, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल, आइडेंटिफाई करो इसमें जो करेक्ट लेवलिंग है। तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट तो तुम्हारा जायगोट है, ये तो जायगोट है तुम्हारा। अब देखो सेंट्रल सेल वाला ये पीईसी है, और थर्ड तुम्हारा डिजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल है, तो क्या होगा तुम्हारा बी हो जाएगा। 98 का बताओ, पहला क्या है, ये तो तुम्हारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, फिर थर्ड सेकंड तुम्हारा क्या है, हर्ट शेप एम्ब्रियो, ये ग्लोबुलर गोल जैसा, ये तुम्हारा हर्ट जैसा है, और हाँ ये सस्पेंसर वाला है, ठीक है। और फोर्थ तुम्हारा ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, फोर्थ सा कौन सा है, कॉटिलीडॉन्स टाइप का, तो ये फर्स्ट होगा। द इसमें कौन सा स्टेज है, 99 का, इसमें इम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है किस में, डाइकोट्स में, तो क्या होगा फर्स्ट ही हो जाएगा, इसी इजी क्वेश्चन है। अब देख करते हैं फोस्ट फर्टिलाइजेशन से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, 100 क्वेश्चन मतलब 46 क्वेश्चन है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इंक्लूड हाउ मेनी ऑफ द फॉर, इसमें कितना इवेंट होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन कौन इवेंट्स होगा बताओ, 100 का कौन कौन होगा, चार होना चाहिए। इसमें कौन कौन सा, ओव्यूल से पहले तो फ्रूट बनेगा, ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल से सीड बनता है तुम्हारा, यही सब बनता है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें 100 का क्या होगा, बी चार, इसमें तो फोर होना चाहिए, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है तुम्हारा, फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो ये सब तो